हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले आपने क्लास देखी होगी, SI और CI के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड थी वो क्लास। उसमें क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होता है, उनका जो अंतर होता है, उसके बेस पे जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें मैंने उसके एक ट्रिक कराई थी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैंने 2 साल वाले केस कवर करे थे और इस वीडियो में हम 3 साल वाले केस कवर करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में या तो 2 साल का केस आएगा या फिर 3 साल का केस आएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे कैसे हम सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि 2 साल वाले छोटे छोटे मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या थी। हमने अगर क्वेश्चन में हमने ध्यान से हम क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें एक रेट दिया होगा। ठीक है, अगर मान लो रेट दिया है 20%, ये मैं 2 साल वाली दो जिसमें 2 वर्ष 2 साल जिसमें टाइम दिया उसके लिए बता रहा हूँ। 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, 20/100। ठीक है, अब 20/100 को अगर मैं काटने लग जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 1/5। इतनी सी बात मैंने बताई, देखिए अगर आप इतना सोल्व कर सकते हो तो आप इस ट्रिक को आराम से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 20% को मैंने 1/5 तोड़ दिया, अब 1/5। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये जो अगर 2 साल का केस है ना, तो ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है ना, इसका वर्क करो, स्क्वेयर करो। अगर 5 का मैं स्क्वेयर करता हूँ मतलब 5 × 5। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 2 साल की का केस है तो 2 बार गुणा होगी, और 3 साल का केस है तो 3 बार गुणा होगी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या थी, यहाँ पे आ जाएगा 25, और जो ऊपर एक है इसका वर्ग इसके नीचे आ जाएगा, और एक का वर्ग एक ही रहेगा, और गुणा में जो भी क्वेश्चन में अंतर दे रखा हो वो अंतर आप लगा दोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये थी वो ट्रिक। ठीक है, टोटल अगर आप उसको दोबारा से देखोगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो देखें फिर इसको देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखो अगर 2 साल के केस में ये सब करना होता है तो 3 साल के केस में क्या करना होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, छोटी सी बात है, ध्यान से देख लो। मान लो सेम क्वेश्चन है और हमें दिया मान लो सिंपल 10% का रेट दिया। ठीक है, 10% की दर है तो कैसे करेंगे, 10% वार्षिक दर, याद रखना यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा वार्षिक दर, क्या लिखा मिलेगा, वार्षिक दर। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा 10% का वार्षिक दर, मतलब पूरे साल में 10%। तो 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 काटेंगे तो क्या आएगा, 1/10, यही आएगा ना। तो अगर 3 साल का केस है ना, तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि अगर 3 साल का केस है तो 10 की गुणा कितनी बार करोगे, 3 बार करोगे, मतलब यहाँ पे अगर हमने स्क्वेयर किया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, मतलब कि 10 × 10 × 10। अगर 2 साल का केस है तो 2 बार गुणा, 3 साल का केस है तो 3 बार गुणा, 3 बार गुणा कर दी कितना आया, 1000। ठीक है, 1000 आया, गुणा में अंतर कितना है, जो भी क्वेश्चन में अंतर दे रखा है उससे गुणा कर दो, करना वही है। लेकिन अब की बार ध्यान देना क्या करना है, इसके जो नीचे आएगा ना, जैसे इसके नीचे क्या आया था, इसके जो ऊपर था उसका वर्ग नीचे आया था। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग 4 इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, इसके नीचे आएगा ये जो 10 है ना, 10 इसको 3 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, कितना आया, 10 × 3 30 और 1 31, इसके नीचे आएगा 31। अब ये जो मैंने चीज़ बताई ये हर केस में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो 5% का केस है तो कैसे करोगे, 5% के केस में आप करोगे 1/20। ठीक है, 5% का मतलब क्या है, 1/20, पहले आप 20 का क्यूब करोगे, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। ठीक है, गुणा में क्या करोगे, अंतर करोगे, और इसके बटे में, इसके जो डिवाइड में आपने लगाना वो क्या लगाना है, इस 20 का × 3 करो और जमा 1 करो। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ, देखो अब दिखेगा आपको, एक मिनट, ये जो मैंने लिखा है 20 × 3 + 1, अब इसमें आपको पहले गुणा करने फिर जमा करने है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। ठीक है, 20 × 3 कितना हुआ, 60 + 1 कितना आया, 61। तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने रेट क्या क्वेश्चन में आपको मिला है। ठीक है, तो रेट के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ इस तरीके से हम कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, SSC में आए हैं, HSSC में आए हैं, सारे प्रकार के जितने भी आपके पेपर होते हैं सब में ही क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, वह धनराशि क्या है, ये क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे को सिर्फ देखना कि रेट कितना है।
मैंने देखा 5% रेट है, 5% को मैंने उठाया 1/20। अभी मैंने आपको करके दिखाया था इसका 1/20 होता है। 1/20 को मैं क्या लिखूंगा, 1/20 को मैं लिखूंगा देखो 20 गुणा 20 गुणा 20। ये चीज़ आपकी माइंड में कैलकुलेट हो जानी चाहिए बड़ी स्पीड से। यहाँ पे देखो 3 बार जीरो आएंगी और 2 की 3 बार गुणा रखी है, मतलब कि 2 की 3 बार गुणा करोगे तो 8000 ये बैठेगा ना, टोटल कितना आएगा 8000। और गुणा में मैंने क्या बताया था अंतर, अब अंतर कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया 122 और डिवाइड में, इसके डिवाइड में क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हो उसको 3 से गुणा करो और 1 उसमें जोड़ दो, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60 और 1 61 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जरा करके देखो इसको, अगर मैं 61 और 122 को देखूं ध्यान से तो ये 2 पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा, 8 दूनी 16 कितना आया 16000, तो 16000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस ट्रिक को ध्यान से देखें, एक्चुअली में कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैं जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर आपको कराऊंगा ना, उसमें आपको ये चीज़ सिखा दूंगा कि ये चीज़ कैसे निकल के आती है, ठीक है। तो इसको आप अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, जल्दी से खत्म कर दूंगा। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण व्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है, ये क्वेश्चन है। सीधा सा क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, 5% मतलब 1/20 और 20 देखते ही क्या लिखोगे 8000 गुणा में अंतर कितना है 36.60 डिवाइड। देखो अगर 36.60 आप जीरो ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि देखो जीरो नहीं लगाओगे तो बटे में 10 लिखोगे इसके, जीरो लगाओगे तो बटे में 100 लिखोगे, तो बात तो बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। अब बटे में क्या लगाऊंगा, बटे में सीधी सी बात है गुणा 3 करो + 1 करो कितना आया 61 आया ना। तो अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं, इस पॉइंट को अगर हटा दूं तो बटे में क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा, सीधी सी बात है। तो देखो ये 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। अब देखो क्या ये 6 पे कट रहा है, 6 एकम 6 6 6 36, ये पूरा 6 पे कट गया 6 पे। अब इसको मैं गुणा करता हूँ तो 6 8 48 कितना आया 4800, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 4800। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिल्कुल इजी है, और आप ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करके जरूर देखना, उससे क्या होगा कि आपका कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन करने आ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को मैंने थ्रोली पढ़ा, मैंने जब इस क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ा तो एक धनराशि दे रखी 10% दर दे रखी है, 3 वर्षों में उनका अंतर दे रखा है 186, इतना सा पढ़ना है बस। और ये ध्यान रखना जो हम जितने क्वेश्चन कराए हैं उन सब में मूलधन पूछा है, धनराशि पूछी है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो कैसे करेंगे, 10% को देखा मैंने, 10% का मतलब क्या है, 10% इसका मतलब क्या है 1/10 बताओ इतना ही। और उसके बाद कैसे करेंगे, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब कि 1000, ठीक है। गुणा में क्या करूँगा अंतर, अंतर कितना है 186 बताओ, ऐसे ही करेंगे ना। और डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे इस 10 का गुणा 3 करके प्लस 1 मतलब कि 31, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये क्वेश्चन सेट करे हुए होते हैं, आपको एग्जाम में भी सेट करा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि पूरे पूरे कटते होंगे। देखो अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 6 एकम 6 6 3 18 मतलब कि 6 से कट रहा है पूरा पूरा, अगर 6 से कट रहा है तो मेरा आया 6000, क्या मेरा आंसर है 6000, बिल्कुल डी ऑप्शन मेरा हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, आपका ये टाइप पक्की हो जाएगी, आप इस टाइप में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है। कैसे करोगे, देखो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 से 1/2 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। अब देखो ध्यान से इस बात को ध्यान से देखना जरा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। हमने देखा कि इसके अंदर जो टाइम दिया वो 3 साल नहीं दिया, वो कितना दिया है, वो दिया है 1 साल और आधा साल मतलब कि 1.5 साल। देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 1 साल और फिर क्या है आधा साल मतलब कि 1.5 साल। अब 1.5 साल का केस तो हमने किया नहीं, हमने किया 2 साल का और 3 साल का। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का सबसे ईजी तरीका है ये, देखो ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा बीच में कि जो भी ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक जोड़ा गया है। अगर अर्धवार्षिक आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 6 महीने के हिसाब से चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अगर अर्धवार्षिक आ जाए तो हमने देखना है क्वेश्चन 6 महीने के हिसाब से चल रहा है। और देखो हमने ना पीरियड चेक करना होता है एक्चुअली, हमने ये नहीं देखना था कि साल है क्या। देखो अगर मान लो 3 वर्ष दे रखा है तो ध्यान दो जो जो ब्याज होता है वो भी वार्षिक होता है, वार्षिक मतलब कि एनुअल,
वार्षिक होता है, एनुअल होता है, क्योंकि 3 वर्ष है। अब अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो ये कितने पीरियड हो गए, 3 पीरियड हो गए ना। तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास कितने महीने में, देखो महीने में, देखो 1.5 महीने, 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 12 और 6, 18, 18 महीने हो गए ना। तो 18 महीने के हिसाब से ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने। तो 6 महीने के हिसाब से पीरियड कितने हुए, पीरियड तो 3 ही हुए ना। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात नोट करनी है कि पीरियड अगर 3 है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपने कि 10% जो ब्याज है वो वार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है 10% नहीं आएगा, 10% का आधा अर्धवार्षिक के लिए आधा रहेगा, 5% आएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर 5% आएगा तो आगे कैसे करेंगे अब इसको, देखो ध्यान से। चलो देखो 5% का मतलब क्या है, 1/20, ठीक है। और 20 अगर आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8,000 लिखूंगा, सीधी सी बात है। गुणा में अंतर कितना है, देखो क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है, 244, ठीक है। 244 अगर अंश में आंसर अंतर दिया है तो 244 यहाँ लिखूंगा, और डिवाइड में क्या लिखूंगा उसके बताओ। डिवाइड में लिखूंगा इस 20 को 3 से गुणा करके प्लस 1 करके, कितना आया, 61। अब देखो कितने भी कट रहा है, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा 4 पे कट जाएगा, ठीक है। अगर 4 पे कट गया तो 8 चौक 32,000 आया। ऑप्शन चेक करो, क्या ऑप्शन में 32,000 है, अगर ऑप्शन में 32,000 है तो मतलब ये ट्रिक हमारी सक्सेसफुल, बिल्कुल 32,000 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है और यही हमारा क्या है, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई और नई चीज़ चाहिए इसमें, ठीक है, या कोई और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सोल्व करूँगा। प्लीज़ आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।